देवभूमि उत्तराखंड में बहुत पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है। उन्हीं शक्तिपीठ में से एक है द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ मंदिर। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में द्रोणागिरी दूसरे वैष्णो शक्तिपीठ मंदिर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे माँ द्रोणागिरी माता का मंदिर अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। बता दें कि मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म शक्ति लगी थी, तब सुसेन वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणाचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी उस स्थान से पूरा पर्वत उठा रहे थे तो वहां पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा और फिर उसके बाद इस स्थान में द्रोणागिरी का मंदिर बन गया। कत्यूरी शासक सुधार देव ने 1318 ईस्वी में मंदिर निर्माण कर दुर्गा मूर्ति स्थापित की। इतना ही नहीं, मंदिर में शिव व पार्वती की मूर्तियां विराजमान हैं। हिमालय गजेटेरियन के लेख ईटी एड किशन के अनुसार मंदिर होने का प्रमाण सन 1181 शिलालेखों में मिलता है। इस पर्वत पर पांडव के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी भी है। पुराणों, उपनिषदों व इतिहासवादियों ने द्रोणागिरी की पहचान माया माहेश्वरी या प्राकृतिक पुरुष व दुर्गा कालिका के रूप में की है। इसी पर्वत पर स्थित भगवान गणेश के नाम से एक चोटी का नाम गणेशाधारपुर से प्रचलित है। बताते हैं कि लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण का द्रोणाचल पर्वत से अपचार तथा मायावी राक्षस काल नेमी व हनुमान युद्ध का प्रश्न इसके त्रेता युगी इतिहास को बताता है। देवी पुराण के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव ने युद्ध में विजय तथा द्रौपदी ने सीतत्व की रक्षा के लिए द्रोणागिरी की दुर्गा रूप में पूजा की। इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए करीब 500 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यह मंदिर वास, देवदार, अकेसिया और सुरई समेत विभिन्न प्रजाति के पेड़ों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। मंदिर से हिमालय पर्वतों के भव्य दर्शन होते हैं।